Guys, welcome to Bharat channel. So today we are going to start important question from topic respiration. So let's get started. So our first main question that is from respiration is, name the cell organelle in which breakdown of pyruvate to give carbon dioxide energy input. सबसे पहले main question यही आ रहा था, चार five marks का वैसे वो आता है. पहले मैं आपको five marks वाला एक question करवा देता हूँ. इसके basis पे बहुत सारे question जो आ सकते हैं. सबसे पहले हम five marks वाला question ही करते हैं. उन्होंने पूछना है आपको एक ग्लूकोज के ऐसे तीन वेज बताओ जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज पाइरूवेट में चेंज होता है और आगे तीन एरोबिक और एनएरोबिक फॉर्म बताओ. तो हम मोल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. आपको आपके कैसे इतने ग्लूकोज जो कि सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6 है ना, सिक्स कार्बन. इसमें कौन इसमें चेंज होता है, पाइरूवेट में चेंज होता है जो कि है थ्री कार्बन मॉलिक्यूल. आगे से एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन वाले प्रोसेसेस होते हैं. ऐसे ऐसे हम थोड़ा छोटा सा चार्ट बनाएंगे जैसे आपकी बुक में दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन लिखेंगे ईस्ट. जबकि फर्मेंटेशन होती है तो किस किस में चेंज होता है, पाइरूवेट किस में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथानोल प्लस एनर्जी. ठीक है, इथानोल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH. और यहाँ पे अगर आपको मसल सेल्स का पूछा गया है, मसल सेल्स इसमें क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है. ये नहीं ऑक्सीजन खत्म हो गई है, देखो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इसमें कमी है. और कमी है तो फिर क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड जो कि दूध में पाया जाता है, ये आपने पढ़ा है एसिड बेस छोड़कर चक्र में. और साथ में एनर्जी, यहाँ फिर से एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है. नेक्स्ट जो आपका आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. ठीक है, इसमें क्या कहता है, वोटर आता है, वोटर आता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है एनर्जी आता है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वोटर प्लस एनर्जी, एनर्जी मेन बात है कि एनर्जी सभी में आएगी. अब आपका ये हो गया आपका फाइव मार्क्स वाला क्वेश्चन. आपको लिखना कैसे, फाइव मार्क्स में आया ग्लूकोज विच इज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज विच इज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल डेट इज C6H12O6. इट गेट ब्रेक डाउन इंटू पाइरूवेट विच इज अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल एंड देर आर थ्री प्रोसेसेस, देर आर थ्री ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. फिर आपने लिखना है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती. तो फिर आपने इन ईस्ट लिखना है नीचे ऐसे, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऐसे आपने लिखना है, या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन. फिर लिखना है इन ईस्ट या इन कुछ भी जो यहाँ पे लिखा है, इन ईस्ट इन मसल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. फिर आगे बताना है कि पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल एंड एनर्जी. ये चार तो बनाने बनाना है, सिर्फ लाइन जो आपने लिखनी है ये लिखनी है. फिर अगर आपने यहाँ लिखा इन केस ऑफ मसल सेल तो लिखना है इन मसल सेल, इन केस ऑफ अगर पूछा इन केस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स द पाइरूवेट गेट कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी आल्सो गेट रिलीज. फिर अगर आपको पूछा गया है कि पाइरूवेट अगर एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी गेट रिलीज. ये आपको लिखते हैं फाइव मार्क्स का क्वेश्चन. इस पे बेसिस पे तीन चार जो है वन मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वन मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है बनते हैं. आपको एक अभी जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बोला था, ये क्वेश्चन है नेम द सेल ऑर्गेनेल इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. कहते हैं कि पाइरूवेट जब कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है. किसमें सेल ऑर्गेनेल कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया. इसका आपको नाम था कैसे आपको पूछ सकते हैं कि जब पाइरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में तो वो किसमें होता है, मसल सेल्स. ऐसे ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, जब पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल और एनर्जी में चेंज होता है तो वो किसमें होता है, इसमें. और प्रोसेस का नाम क्या है, फर्मेंटेशन. ठीक है, यहाँ पर तीन क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए. सबसे पहले ये भी आपको पूछना आ सकता है ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होना होता है यहाँ पे ग्लूकोज का तो वो कौन सा कौन सी चीज में चेंज होता है जो कि थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है, आपको नाम करना है कि वो पाइरूवेट है. ठीक है, ऐसे आपको सारा कुछ नाम करना है. फाइव मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बोर्ड में आ सकता है, ये बहुत बार बोर्ड में आ भी चुका है. अब देखिए कि वन मार्क्स वाले जो दो तीन और क्वेश्चन है ये मैंने आपको दो चार क्वेश्चन बताए हैं, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, इसलिए आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन है कि द एयर पैसेज इज कवर्ड विद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रोवाइड इट फ्रॉम, ये आपको सॉरी मैं आंसर बोल गया, आपको क्वेश्चन है व्हेन वी ब्रीथ आउट व्हाई डज एयर पैसेज जनरल क्लब्स. कहते हैं कि जब हम एयर बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हमारी जो विंड पाइप है एयर पाइप है जैसे कुछ कह सकते हैं,
कि वो मतलब क्लैप्स की यूनिट, ये मान लो हमारी विंड पाइप है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हम हवा बाहर निकाल लेंगे, जब हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे तो वो तो ऐसे हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए, इसलिए मेरी बॉडी को हार्म हो सकता है। कहते हैं पर वो ऐसी क्यों नहीं होती, ऐसी क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें रिंग्स प्रेजेंट है, रिंग्स क्या करती है कि उसको कोलैप्स होने से बचा लेती है और ऑक्सीजन आराम से अच्छे तरीके से चली जाती है। वो कड़ा बनाकर रखती है अपना पूरा अच्छे तरीके से, ऐसे गोल उसको बनाकर रखते हैं, उसकी शेप मेंटेन करके रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो क्लैप्स नहीं होती। वन मंथ में इतना बोलते हैं। आगे क्या है, व्हाट इज योर रोल ऑफ फाइन हेयर एंड म्यूकस इन द नोस्ट्रिल। कहते हैं कि फाइन हेयर जो हमारे नोज में प्रेजेंट है और म्यूकस जो हमारी नोज में प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका मेन यही फंक्शन है कि वो एयर को क्या करता है, एयर को क्या करता है, इसमें जो डस्ट होते हैं वो सारे पार्टिकल निकाल देता है। लेकिन उसके डस्ट के पार्टिकल को सारे निकालते हैं मिस्ट से, कि इसको अच्छे तरीके से गुड एयर बना देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं होती। और सारी इसमें से डस्टलेस बोल सकते हैं, डस्टलेस एयर जो उसको बना देते हैं, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं होती, कोई भी चीज उसमें अंदर नहीं जाती, सिर्फ एयर ही होती है। नेक्स्ट आपको ये यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फिल्टर करने के काम आता है, एयर को फिल्टर करने के काम आता है म्यूकस और फाइन एयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई डू एक्वेटिक एनिमल हैव फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। कहते हैं कि एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग जो फास्ट होता है एक्वेटिक एनिमल से टेरेस्ट्रियल एनिमल। एक्वेटिक एनिमल सबसे पहले ये देख रहे हैं, एक्वेटिक वो है जो वॉटर में रहते हैं, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल वो है जो लैंड पे रहते हैं। टेरेस्ट्रियल कौन से हैं, जो लैंड पे रहते हैं, लैंड पे जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्ड इसलिए अमाउंट बहुत कम है। इसलिए एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन उतनी चाहिए जैसे टेरेस्ट्रियल को चाहिए, बट टेरेस्ट्रियल में जो लैंड पे रहते हैं वहां पर बहुत ऑक्सीजन है, वो आराम से रहते हैं, बट टेरेस्ट्रियल में ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ी लेस ऑक्सीजन है, इसलिए उनको बार बार क्या करना पड़ता है, ब्रीथिंग रेट उसका ज्यादा है, क्योंकि उनको बार बार अपना मुंह खोलना पड़ता है और ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी देनी पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है वाटर में, होती तो है बट थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू इन टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट भी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, जब मैंने आपको करवाया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी वही है। हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहते हैं कि हमारे लंग्स जो है, लंग्स ठीक है, कहते हैं उसका कैसा डिजाइन है कि वो हमारी ऑक्सीजन की लेने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देता है, और ज्यादा गुड एंड वेल कर देता है। वहां पर उसका ऐसा कौन सी चीज है जो कि उस एयर को लेने के लिए बहुत अच्छी है, उसमें प्रेजेंट है एल्वियोली। एल्वियोली क्या है, एल्वियोली है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एरिया के लक्स के लक्स में जो एल्वियोली प्रेजेंट है उसको एरिया को बढ़ाने के काम आते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपने कैसे है, देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट इन द लक्स, द एल्वियोली प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ऐसे आप लिखते हैं, यही मेन आप लिखते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का है, 2 लाइन मार्क्स है। और आप ये भी बता सकते हैं डिस्टर बैलून स्ट्रक्चर, और मैं आपको एल्वियोली की तरफ एक फैक्ट बता दूं, आपको ये फैक्ट आ सकता है कि अगर हम एल्वियोली को एक ग्राउंड पे फैलाना हो तो वो कितना एरिया कवर कर सकते हैं, तो वो है एरिया, जी हाँ आपने सही देखा, 80 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो एल्वियोली को अगर हम अपने ग्राउंड पे फैला दें तो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो कवर कर देंगे। देखो आप सोच रहे कितने ज्यादा हो गए, 80 मीटर स्क्वायर का एरिया भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं, वाई कैन आर क्रोज इन मसल ड्यूरिंग सर्टन एक्टिविटी। देख लीजिए आपका ये 2 मार्क्स में भी आ गया, क्रैम्प्स क्यों होते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो रिलीज होता है किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण, जो कि हमने ग्लूकोज के ब्रेकअप में पढ़ा था इन मसल सेल्स। कौन सा एसिड रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड, मैंने आपको बोला था ना कि दूध में भी पाया जाता है। ये हो गया आपका ए पार्ट, बी पार्ट है आपका नेम द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। देखो इसमें से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते कि ऐसे एक बताइए कि जो कि यीस्ट में होती है वो रेस्पिरेशन का नाम क्या है। मैंने बोला था कि वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, मसल सेल्स वाली लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है जिसमें लैक्टिक एसिड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और लास्ट वाली जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो है एरोबिक, ठीक है। और यीस्ट वाली फिर कौन सी हुई, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है यानी एनएरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक के बारे में भी अभी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स वाले में, वहां पर आपको एनारोबिक एरोबिक सारा कुछ पूरा फिटनेस के क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अभी 2 मार्क्स में भी आ गया था तो पहले 1 मार्क्स में भी आया था, कि ये क्वेश्चन थोड़ा मोल्ड करके दिया है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल एनिमल इज मच स्लोअर देन सीन इन एक्वेटिक एनिमल। व्हाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में पता है कि वाटर में क्या होता है कि डिसॉल्वड ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन होती है,
ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, बट लैब पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो थोड़ी क्या होती है ज्यादा होती है, इसलिए कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर कैसे जो हमारी एयर है वो ट्रेवल करती है, एयर कैसे ट्रेवल करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कौन कौन सा पार्ट आता जाता है। सबसे पहले हमें बताना है कि हमें नोस्ट्रिल्स में जाती है, नोस्ट्रिल्स में फिल्टर कर देते हैं ना, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट लगाना आज वाले क्वेश्चन में पढ़ा था क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है वहां पे, फाइन हेयर प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट है। फिर आगे जाती है फेरेंक्स पे, फेरेंक्स फिर जाएगी लैरेंक्स पे, लैरेंक्स में जाएगी ठीक है, फिर आगे लैरेंक्स में जाएगी तो फिर कहां पे जाएगी, सॉरी मैं यहां पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, लैरेंक्स, फिर लैरेंक्स से जाएगी ट्रेकिया पे ठीक है, ट्रैकिया से जाएगी ब्रोंकी, ब्रोंकी ओवल्स फिर जाएगी एल्वियोली और फिर से वापस आएगी, फिर से क्या जाएगी वापस आएगी। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि जब एयर रिटर्न होते हैं तब कौन सा होता है, देखो लैरिंग्स से जाएगी ट्रैकिया पे, ट्रैकिया ब्रोंकी, फिर आगे ब्रोंकी में जाएगी ब्रोंकी, ब्रोंकी ओवल्स में जाएगी ठीक है, फिर आगे जाएगी एल्वियोली में, एल्वियोली में जाएगी ठीक है, यहां पर आपका स्टॉप हो जाएगा। बट आपको ये पूछ सकती है ये तो ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन कैसे जाती है, बट ये पूछ सकते कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, फिर आप लिखते हैं एल्वियोली, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंक्स और नोस्ट्रिल ठीक है, नोस्ट्रिल की तरफ से बाहर आती है, यही हमने पूरा लिख दिया है। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। हमने सबसे पहले बताना है कि नेसल कैविटी का क्या फंक्शन है ये बताना है। नेसल कैविटी हमने पढ़ा है नोस्ट्रिल्स में, नोस्ट्रिल्स की इसको नेसल कैविटी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि फाइन एयर और म्यूकस प्रेजेंट है जो कि एयर को फिल्टर करने का काम आता है, और डस्टलेस जो एयर है वो हमारे अंदर चलती है, डस्टलेस जिसमें डस्ट बिल्कुल नहीं होती वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है जो कि हम कंज्यूम करते हैं या ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एल्वियोली का क्या फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोली का क्या फंक्शन है ये मैं बताना है। एल्वियोली क्या है, एल्वियोली जो है वो बलून है स्ट्रक्चर जो कि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, यही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेन काम आते हैं, तो एल्वियोली का फंक्शन इसलिए क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम आते हैं, और इसका और भी क्या फंक्शन है, ये ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वापस ले जाने में ये काम आते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और ये लार्ज सरफेस एरिया जो है हमारे लंग्स में क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये थोड़ा गिव रीजन वाला क्वेश्चन है, ऐसे आपको पूछा गया गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग हर्बीवोर्स है लो लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स, कहते हैं कि हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है काफी बड़ी होती है, लंबी होती है, बट कार्निवोर्स में वो कम होती है, क्यों, आंसर देखते काफी सिंपल है इसका आंसर, क्या है आपका हर्बीवोर्स में क्या होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन केस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या पूछा कि हर्बीवोर्स में जो है हर्बीवोर्स में ये थोड़ी है क्या है बड़ी है लॉन्ग है, बट कार्निवोर्स में जो कि क्या कहते हैं फ्लश खाते हैं कार्निवोर्स, इसमें क्या है स्मॉल है, क्यों, यही हमारा क्वेश्चन है। हर्बीवोर्स क्या करते हैं ग्रास खाते हैं, ग्रास में क्या है सेलुलोज है, ग्रास में क्या है सेलुलोज, अगर आपको सेलुलोज नहीं लिखना तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसमें क्या है मीट खाते हैं। हमने बताना है कि हर्बीवोर्स है लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज दे ईट ग्रास एंड ग्रास कंटेन सेलुलोज विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर डाइजेस्टिंग, जो वो ये हर्बीवोर्स में होती है ग्रास खाते हैं सेलुलोज डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए लंबी होती है ताकि डाइजेशन जल्दी से जल्दी हो पाए, बट कार्निवोर्स में इसलिए थोड़ी स्मॉल होती है क्योंकि मीट खाते हैं, मीट जो डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा ईजी है सेलुलोज से, इसलिए कार्निवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफी छोटी होती है हर्बीवोर्स के केस के ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया बी पार्ट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया वायर, ये फिर से आपका वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ठीक है, इसलिए आपको जो रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कहते कि कार्टिलेज जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज जो प्रेजेंट होती है ट्रेकिया में, क्यों
ट्रकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसलिए प्रेजेंट है ताकि ये कलेप्स ना हो जाए, कलेप्स हो गए तो हमारी बॉडी में ब्रीथ करने में काफी मुश्किल आ सकती है, इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है ताकि ये कलेप्स ना हो जाए और हमें ब्रीथ करने में काफी आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकस इज सीक्रेटेड अलोंग विद एक्सहेल इन द स्टमक। ये न्यूट्रिशन के भी एक दो क्वेश्चन आ गए इसमें से, फर्स्ट क्वेश्चन भी न्यूट्रिशन के रिलेटेड था, अभी फिर से जो क्वेश्चन आया न्यूट्रिशन के रिलेटेड, इसलिए आपने ये भी कर लेनी है। क्वेश्चन क्या है, कैसे म्यूकस जो है सीक्रेट होता है, म्यूकस जो है सीक्रेट हो जाता है अगर साथ में एक्सहेल रिलीज हो तो क्यों। स्टमक की मैंने बात की है, एक्सहेल रिलीज होता है ये काफी डेंजरस है, हार्मफुल है हमारे स्टमक के लिए, ठीक है। इसको रिलीज करवाना काफी मतलब की बेहतरीन है क्योंकि ये कैप्सिन को एक्ट करवाता है, कैप्सिन क्या करती है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करवाती है, वेयर म्यूकस का काम ये है कि वो स्टमक की इनर लाइनिंग को अच्छे से बचा ले, अच्छे क्योंकि काफी डेंजरस है, अगर ये हमारी स्टमक में लग गया तो हमारी बॉडी को काफी हार्म हो सकता है, इसलिए ये इसका फंक्शनिंग म्यूकस जो है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बताता है, बचाता है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि हमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बनाना है। आप देख लीजिए काफी सिंपल है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपके लिए स्पेशल निकाले हैं, ठीक है। काफी मैंने काफी बुक्स से रीडिंग की तो तब मुझे जाकर ये वाले पॉइंट मेन वाले मिले हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से करना है, काफी इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग। टेबलर फॉर्म में याद रखना है, हमेशा टेबलर फॉर्म में ही डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि टेबलर फॉर्म में काफी अच्छा लगता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन काफी इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में, अभी ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, ब्रीदिंग थोड़ा अलग है इसमें, इसमें क्या है इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस बट वो क्या है फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल, ये सभी है, फिजिकल भी है, फिजिकल मैं से पूरे पूरे लिखा केमिकल और मैकेनिकल, ये सभी प्रोसेस है, ठीक है। ये भी हो गया रेस्पिरेशन हो गया, आगे ये बताना है ब्रीदिंग में बताना है, इट इनवॉल्व इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन का लेना है, ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, जो इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन का अंदर लेना और फूड को ऑक्सीडाइज करना, फूड को ऑक्सीडाइज करना, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ब्रीदिंग में ये आ सकता है कि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है, इसमें क्या होता है कि एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, क्या होती है यूटिलाइजेशन होती है इसकी एनर्जी की, बट इसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, इसमें सुलटा क्या होता है रिलीज होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये जो मेरी हायर एनिमल जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं जैसे एलिफेंट है उसमें आएगी, ह्यूमंस में आ जाएगी, बट ये क्या स्मॉलर एनिमल जैसे कि रैट में आ जाएगी, ऐसे ऐसे से ऑर्गेनिज्म में मिली आ जाएगी, ठीक है। ह्यूमंस में भी रेस्पिरेशन हो जाती है बट ब्रीदिंग में स्लो होती है, इसलिए आपको ये दोनों ह्यूमंस की एग्जाम्पल नहीं ले सकते, इसमें एलिफेंट और उसमें रैट या जो आंट बोल सकते हैं उसको रेस्पिरेशन की एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका मेन पॉइंट है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में भाई डिफरेंस बताना, ये काफी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना, इसका आपको ट्रिक में बताऊंगा कि दो तीन पॉइंट आपको ट्रिक में ऐसे लर्न हो जाएंगे, बहुत ईजी है, आपने सोचा भी नहीं होगा कितना भी ईजी कोई डिफरेंस बिटवीन हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन इसमें बहुत ज्यादा आ सकती है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सीधा देखना फोटो देता हूँ, फोटो या फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ये आपने पढ़ा है, ये अभी पढ़ा है, इसमें सबसे पहले जो इसका मेन पॉइंट हो सकता है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें फूड बनता है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट सेकंड पॉइंट लिख देते हैं, इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल होते हैं CO2 और वॉटर होते हैं, CO2 एंड वॉटर, ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट क्या निकलता है, सबसे पहले ये देख लो, इसी में ट्रिक आपको बता दूंगा, इसी में ट्रिक है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और CO2 जो है निकलते हैं, O2 निकलते हैं, बट ये देखिए यहां पर इसको ये वाले पॉइंट को यहां पर लिख देना, इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल कौन से थे कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और रॉ मटेरियल क्या होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट और CO2 एंड वॉटर, बिल्कुल उल्टा लिख दिया ना, इसमें रॉ मटेरियल है CO2 एंड वॉटर, इसमें एंड प्रोडक्ट है CO2 एंड वॉटर, इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट CO2 जो है रॉ मटेरियल जो एंड प्रोडक्ट है, इसमें
जो रॉ मटेरियल है वो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। बिल्कुल सही है, आपको अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत है, इसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये होगी इसके चार चार पॉइंट, मैंने अच्छे तरीके से आपको करवा दिए, बोर्ड में भी अच्छे तरीके से ऐसे ही कर देने हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस बिटवीन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो है एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन और एटोफिक में काफी आ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे तरीके से एक ना एक तो आ जाता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वाला नहीं आया तो एरोबिक एनारोबिक आ जाएगा, इसलिए आपको एरोबिक और एनारोबिक की पूरी जानकारी दे सकता हूँ। एरोबिक ठीक है, एरोबिक वो है जिसमें ऑक्सीजन जो है प्रेजेंस है। द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज डेड रेस्पिरेशन इन ऑक्सीजन इज एब्सेंट इट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए आपको एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, मोर एनर्जी गेट रिलीज, मोर एनर्जी, इसमें लेस एनर्जी गेट रिलीज। मैंने जो आपको ये वो वाला क्वेश्चन कराया था सबसे पहले जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाया था यहाँ पे भी एक उसका पॉइंट आ जाता है कि फॉर एग्जांपल एरोबिक में कौन कौन सा पढ़ा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था, और इसमें फॉर एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं किसी एग्जांपल पढ़ी थी ईस्ट की। आगे आप वो बता सकते हो कि रॉ मटेरियल क्या था, ग्लूकोज किसमें चेंज हुआ, पाइरूवेट किसमें चेंज हुआ, इसमें क्या था माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें चेंज हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, वाटर आया था, एनर्जी थी, इसमें क्या आया था इथेनॉल आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड आई थी और एनर्जी आई थी। ठीक है, ये आप आपके यहाँ पर कितने पॉइंट होते हैं, 1, 2, 3, 4 पॉइंट यहाँ पे पेपर करवा दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपको स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग, फिर से वही बात है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, स्पेशल है मैंने बार बार आपके लिए इसलिए क्रिएट किए हैं क्योंकि ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आपके दिमाग में बार बार आ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन को हमें लर्न करना है, इसको कितनी बार उगराया गया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसलिए प्रेजेंट होते हैं। ये बार लर्न कर लो कोलैप्स, कोलैप्स होना मतलब है ऐसे ऐसे है ना, वो ऐसे नहीं होगा, पूरा सीधा रहेगा स्ट्रेट क्योंकि उसमें रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, बी पार्ट है कि प्लांट लुक ग्रीन इन कलर व्हाइट, प्लांट जो ग्रीन कलर के लगते हैं क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या है क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है ग्रीन कलर जो प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, लीफ में प्रेजेंट है मेनली, इसलिए जो प्लांट होते हैं मेनली ग्रीन कलर के ही होते हैं। नेक्स्ट इसका यही क्वेश्चन था कि बी पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, हमें ये दो नाम दिए गए हेल्पियोलर से आया वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसके आगे नाम बताने हैं, इसके नाम क्या है सीधे अच्छे वाले नाम क्या है, एल्वियोलर से आया दूसरा नाम क्या है एल्वियोलर, और वॉइस बॉक्स का नाम क्या है लेरिंक्स, ये हमने 8th 9th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है वो उसकी तरफ चलते हैं। मोस्टली साइंस विषय में यही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, सब्सक्राइब करना चैनल को। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीवर इन द ह्यूमन बीइंग, लीवर का रोल बताना है ह्यूमन बीइंग्स में, तो चलिए देख लेते हैं वो क्या करता है। सबसे पहले एक्सक्रीशन के काम आता है, एक्सक्रीशन के काम आता है, मेटाबोलिज्म के काम आता है, मेटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन फैट्स, मेटाबोलिज्म काम आता है, और वो क्या करता है बाइल जूस सिक्रीट करने के काम आता है, बाइल जूस सिक्रीट करने का काम आता है, बाइल सॉल्ट रिलीज करने का काम आता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट ये लिख देना आपने। नेक्स्ट आपको ये लिख सकते हैं कि वो एंजाइम के एक्टिवेशन करने के काम आता है, जैसे बाइल सॉल्ट रिलीज होते हैं इसी कारण होता है कि वो हमारा मीडियम जो है पेट में अल्कलाइन बन जाता है, फूड अल्कलाइन बन जाता है, यानी बेसिक बन जाता है, बेसिक होने से क्या होता है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो उसको ट्रिगर कर देता है ये एंजाइम एक्टिवेशन करने में। ठीक है, ए पार्ट इस पर के बी पार्ट देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहते हैं कि अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं हो तो क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कैसे लिखना है, ये लिखना है कि अगर रिलीज हो जाए तो क्या होगा, फिर आपने बाद में लिखना है अगर ना हो तो क्या होगा। उन्होंने पूछा कि अगर म्यूकस सिक्रीट हो, म्यूकस सिक्रीट ना हो तो हमारी बॉडी के स्टमक को क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे अगर होता है तो क्या होगा, अगर म्यूकस सिक्रीट हो जाता है तो क्या होगा, हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, म्यूकस सिक्रीट हो गया तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जो है बच जाएगी, इसको प्रिवेंट करने के काम आता है म्यूकस जो एफसीएल में एफसीएल, बट
अगर ये रिलीज ना हो तो एक्सेल अपना एक्शन स्टमक की इनर लाइनिंग पे शो कर देगी। इसके कारण क्या होगा, हमारा स्टमक की पूरी अंदर लाइनिंग वाली जल जाएगी, इंजरी हो जाएगी हमारे स्टमक की अंदर लाइनिंग में और क्या हो जाएगा कि हमें बॉडी को हार्म होगा। यह क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कहते हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग में कैसे चेंज आता है जब हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। ये सभी को पता है जब हम रेस लगाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो कि हैवी होती है, तो हमें क्या होता है हमारी ऑक्सीजन रेट जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है उसका रीजन भी हम देखने लगे। इसमें मेरी क्या रहता है कि हमारी बॉडी को मोर एनर्जी चाहिए होती, मोर ऑक्सीजन या मोर एनर्जी चाहिए होती, एनर्जी चाहिए तो फूड को ऑक्सीडेशन होना बहुत जरूरी है, रेस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है, ऑक्सीडेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीडेशन होना जो बहुत जरूरी है, ऑक्सीडेशन कैसे होगी, अगर ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आएगी तो हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके कारण क्या होगा कि हमारी ज्यादा से ज्यादा बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होगी, हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके लेक्चर का, और मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो हमने सबसे पहले कर लिया था ग्लूकोज वाला, उसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, देख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाइट ब्लड वाला जो उसको शोल्डर ट्यूब बोलते हैं क्योंकि हमें इन्फेक्शनियस डिजीज में से बचाता है, इन्फेक्शनियस डिजीज में से हमारी बॉडी को क्या बचाता है, कौन बचाता है, डब्ल्यूबीसी बचाते हैं ताकि हमारी बॉडी को कहीं भी इन्फेक्शन आए तो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं शोल्डर्स की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगर कोई भी हार्मफुल वायरस आ जाए तो। जो मैंने बोला था सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसका आप भी क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आ सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट पाथवेज बाय विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था पाइरूवेट ग्लूकोज टू पाइरूवेट, फिर यीस्ट माइटोकॉन्ड्रिया वाला मसल सेल्स वाला, ये ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा जो ऐसा ही क्वेश्चन इसका आंसर सेम ही होगा, उसका आपको कैसे लिखना है, शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय थ्री पाथवेज विद द हेल्प ऑफ फ्लोचार्ट। ठीक है, फ्लोचार्ट बनाना नहीं भूलना, जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करवाया है रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में वही क्वेश्चन मेन है, इसलिए अच्छे तरीके से सारा कुछ प्रिपेयर कर लेगा ताकि बोर्ड में अच्छे से नंबर आ सके। थैंक यू।